गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पपीते की खेती के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेर की खेती के बारे में। स्टूडेंट्स, बेर को गरीबों का सेव तथा शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो बेर के दो वैज्ञानिक नाम होंगे। दो वैज्ञानिक नामों में भारतीय, दो प्रकार का बेर होता है, भारतीय और चाइनीज बेर। भारतीय बेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है जीजीपस मोरेसियाना तथा चाइनीज बेर का वैज्ञानिक नाम जीजीपस जुजुबी होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके कुल की। इसका कुल रेमनेसी कुल होता है। इसका गुणसूत्र संख्या 2:48 होती है। इसमें उत्पत्ति स्थल इसका क्या है, भारत व चाइना, मतलब इंडो चाइना बोलते हैं इसको, इंडो चाइना इसका उत्पत्ति स्थल है। बात करते हैं खाए जाने वाले भाग की, तो जो खाए जाने वाला भाग है वो बाह्य व मध्य फल भित्ति होता है। बाह्य व मध्य फल भित्ति को अपन एंडो मीजोकार्प भी बोलते हैं, एंडो मीजोकार्प भी कहते हैं। इसके अलावा इसके फल का प्रकार अस्टिल होता है, जिसको इंग्लिश में ड्रूप कहा जाता है। उत्पादन देखा जाए तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक बेर का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत में देखा जाए तो भारत में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में इसका जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बात करते हैं इसके परागण की। परागण किस प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण या कोई दूसरे प्रकार का? तो इसका जो परागण होता है वो परपरागण होता है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन होता है। बात करते हैं आगे इसके उपयोग की, तो इसमें इसका उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। इसका उपयोग ध्यान रखना छुआरा बनाने में किया जाता है। छुआरा देखा होगा, छुआरा शुष्क फल से बनता है, फलों को सुखाकर बनाया जाता है। छुआरा बनाने में किया जाता है, शरबत बनाने में किया जाता है, इसके फलों की शरबत भी बनाई जाती है। मुरब्बा बनाया जाता है, जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है उसी प्रकार इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। कैंडी बनाई जाती है, अचार बनाते हैं इसका और चटनी बनाई जाती है। ये इसके उपयोग रह जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसका जो फल वृक्ष है या इसका जो पौधा होता है, इसके पौधे को, इसके पौधों को लाख कीट के पालन हेतु, लाख कीट के पालन हेतु उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखना जो लाख कीट का उत्पादन जब किया जाता है तो लाख कीट को कोई ना कोई पौधे पर पाला जाता है, तो उसके लिए कौन सा पौधा काम में ले सकते हैं अपन, बेर का पौधा अपन काम में ले सकते हैं। बात करें इसमें विटामिन की, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होते हैं। विटामिन सी कितनी मात्रा में होता है इसका, विटामिन सी 150 mg होता है प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसमें विटामिन की, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी दो विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें 150 mg प्रति 100 ग्राम फल में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जलवायु की, किस प्रकार की जलवायु में इसमें इसको आसानी से उगा सकते हैं, किस प्रकार की इसके लिए मृदा आवश्यक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट। बेर की खेती शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, मतलब 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जो भी क्षेत्र है उनमें इसकी खेती आराम से आसानी से कर सकते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगली बार में बात करते हैं इसकी मृदा की, कौन कौन सी मृदाओं में इसे आसानी से उगा सकते हैं। देखिए, मृदा में मैंने बताया था कि लगभग सबके लिए अच्छी प्रकार की मृदा, जो बलुई दोमट मृदा होती है वो सबके लिए अच्छी होती है। ध्यान रखना है मृदा में अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा
अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। बात करें इसके पीएच की, मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, मृदा का पीएच मान जो उपयुक्त पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के मध्य जो पीएच मान वाली मृदाएं हैं उनमें इसको आसानी से अपन उगा सकते हैं। अगली बात करें, अगला पॉइंट है किसमें, नेक्स्ट पॉइंट किसमें वेराइटीज किसमें कौन कौन सी है। देखो इसकी किस्मों को फल लगने के आधार पर या फल परिपक्वन के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। किस आधार पर, फल परिपक्वन के आधार पर या फल पकने के समय के आधार पर, फल पकने के समय के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। एक सारणी बना के इसको समझेंगे अपन, देखो सारणी बनाएंगे अपन, अगेती किस्में, मध्यम किस्में, तीसरी है पचेती किस्में। किस्मों के नाम आएंगे इसमें, उसके अलावा आगे आएगा फल पकने का समय, ये सारणी बनानी है आपको, फल पकने का समय। देखो करना क्या है इसमें, किस्में कौन कौन सी है जो अगेती किस्में है जिनमें फलन जल्दी होता है। देखो कौन कौन सी किस्में, गोला, थार सेविका, थार बूराज, ये तीन ऐसी किस्में हैं जिन जो अगेती किस्मों की श्रेणी में आते हैं। अगेती को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली किस्में या अर्ली वेराइटीज। अर्ली वेराइटीज कौन कौन, अगेती किस्में कौन कौन सी रहेगी, गोला, थार सेविका, थार बूराज, इनमें जो फलन होता है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में होता है। प्रथम सप्ताह कब, जनवरी के, जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसमें फलन होता है। बात करते हैं मध्यम किस्मों की जिनको मिड वेराइटीज बोला जाता है। मध्यम किस्मों में बात करें तो इसमें सेब, मुंडिया, जोगिया, केतली, सेव, मुंडिया, जोगिया, केतली, चोमू लोकल, चोमू लोकल, ये इस प्रकार की किस्में जो मध्यम में पकने वाली किस्में जिनका परिपक्वन का जो समय होता है वो जनवरी का अंतिम सप्ताह होता है, जनवरी का अंतिम सप्ताह है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में परिपक्वन होता है, लगभग 15 फरवरी तक इसके फल अपने को मिलते हैं। तीसरी अपन बात करें पचेती किस्में जिनको लेट वेराइटीज बोला जाता है। पचेती किस्में कौन कौन सी है, देखो उमरान, उसके अलावा एक वेराइटी है इलायची, उमरान, इलायची, गोमा कीर्ति, ये तीन ऐसी किस्में हैं जो देरी से पकने वाली किस्में, परिपक्वन का जो समय होता है वो इसका फरवरी मार्च होता है, फरवरी से मार्च के समय ये पकती है, इसके फल परिपक्व होते हैं। अब बात करते हैं तीन ऐसी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तीन ऐसी किस्में जिनका कुछ कई बार जेड आईसीआर बीएचयू इन इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कौन कौन सी, जेड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से अगेती किस्म है, अगेती किस्म कौन सी है, फिर इनमें से एक किस्म का नाम दे देंगे, बाकी दूसरी तीन ऑप्शन जो होंगे वो तीन किस्मों के दूसरे नाम होंगे। तो इसमें समझना अपने को कि जो अगेती किस्म है वो गोला, थार सेविका और थार बूराज है। मध्यम किस्में सेव, मुंडिया, जोगिया, केतली, चोमू लोकल। पचेती किस्में उमरान, इलायची, गोमा कीर्ति, ये किस्मों के ध्यान रखने हैं। आगे इंपोर्टेंट लगा के लिखना, स्टार लगा के, एक किस्म है इसमें गोला, गोला जो किस्म है वो लवण प्रतिरोधी किस्म है, लवण प्रतिरोधी किस्म, इंपोर्टेंट लगा के लिखना इनको, लवण प्रतिरोधी किस्म। लवण प्रतिरोधी किस्म को अपन बोलते हैं सॉल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, सॉल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी। तो गोला वेराइटी है,
गोला किस्म है वो लवण प्रतिरोधी किस्म है, लवणीय मृदाओं में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लवण प्रतिरोधी किस्म। अगली किस्म है बनारसी, एक बनारसी किस्म भी है। बनारसी किस्म जो है उसका TSS जो मान है, मतलब उसमें मिठास TSS मान 17% होता है। ध्यान रखना TSS क्या चीज होती है ये भी समझ लेना। TSS का मतलब होता है, TSS की फुल फॉर्म होती है टोटल सॉलिड सबस्टांस, टोटल सॉलिड सबस्टांस, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। ध्यान रखना है गोला किस्म का एक प्रमुख लक्षण यह है कि यह लवण प्रतिरोधी किस्म है। बनारसी किस्म है इसका एक प्रमुख लक्षण है कि इसका TSS 17% होता है, इतना ही ध्यान रखना आपको। अगली वेरायटी है इलायची, एक इंपॉर्टेंट वेरायटी पूछा जाता है इलायची किसकी किस्म है, इलायची इज ए वेरायटी ऑफ, इलायची किसकी किस्म है। इलायची बेर की किस्म है जो बीज रहित किस्म है। ये भी पूछ सकते हैं कि बेर की बीज रहित किस्म कौन सी है, इलायची। ध्यान रखना है सीडलेस वेरायटी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं सीडलेस वेरायटी। इसका मतलब है कि इसमें बीज यानी जो गुठली होती है, जैसे आम में मैंने बताया था आम में एक सिंधु वेरायटी थी, सिंधु आम में एक सिंधु किस्म थी जो आम की बीज रहित किस्म थी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें गुठली नहीं होती, गुठली होती है लेकिन गुठली बहुत नाम मात्र की होती है, छोटे आकार की होती है, इसलिए इसको अपन बीज रहित किस्म बोलते हैं। उसी प्रकार समझना है कि इसकी जो बेर की इलायची किस्म है वो भी बीज रहित किस्म है, इसका मतलब इसमें भी जो गुठली होती है वो छोटे आकार की होती है और गुद्दा अधिक होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सारी किस्में, समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें इसका प्रवर्धन, प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं, देखो ढंग से समझिएगा, प्रवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये चीजें पूछी जाती है जेट ICR BHU ये कंप्लीट जो भी एग्जाम है इनमें भी ये चीजें लगभग इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। बात करते हैं इसके प्रवर्धन की, प्रवर्धन मतलब प्रोपेगेशन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेगेशन। देखिए प्रवर्धन का मतलब यह है पौधों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि करना। देखो प्रवर्धन की परिभाषा अपन लिखें तो पौधों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि करना, पौधों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि करना ही प्रवर्धन कहलाता है। ये परिभाषा है जो प्रवर्धन वाले चैप्टर में भी अपन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में जब वो पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है। बात करें बेर में प्रवर्धन किस प्रकार होता है तो दो वनस्पति प्रवर्धन की दो ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। कौन कौन सी विधियां हैं, कलिकाइन की दो विधियां, पहली विधि है टी कलिकाइन, दूसरी विधि है पेबंद कलिकाइन। पहली विधि टी कलिकाइन और दूसरी विधि है पेबंद कलिकाइन। पेबंद को रिंग बडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, रिंग बडिंग। क्लियर। बात करें टी कलिकाइन के द्वारा प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है, देखो टी कलिकाइन जो कलिकाइन है वनस्पति प्रवर्धन की एक विधि है कलिकाइन। कलिकाइन उपरोपण दाब कलम ये कलिकाइन, ये वनस्पति प्रवर्धन की विधि है, उनमें से एक विधि है टी कलिकाइन। और कलिकाइन की भी दो विधियां टी कलिकाइन और पेबंद कलिकाइन। ये डायग्राम बनाने जिस प्रकार मैं बनवा रहा हूं देखना है। देखो टी कलिकाइन में क्या होता है, मूलग्रंथ लिया जाता है, ये मूलग्रंथ है, इसको बोलते हैं मूलग्रंथ। मूलग्रंथ की छाल पर, जो मूलग्रंथ की छाल है उसके ऊपर अपन टी का आकार का कट लगाएंगे, टी आकार का कट। देखो टी कलिकाइन मतलब टी आकार का कट लगाएंगे, इस प्रकार अपन कट लगाएंगे इसमें, मूलग्रंथ की छाल पर टी आकार का कट लगाया। अब अपने को क्या करना है, देखो दो पौधों को जोड़कर एक तीसरा पौधा तैयार करते हैं इस विधि में अपन, तो दो पौधों के भाग, एक पौधे का भाग मूलग्रंथ रहेगा, उस पौधे का दूसरा भाग जो रहेगा उसको साइन बोलेंगे। साइन के रूप में कलिका काम में लेते हैं सांकुर डाली, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांकुर डाली।
इसको साइन भी बोलते हैं। ये एक दूसरे पौधे की कलिका ली, ये दूसरा पौधा है, ये दूसरे पौधे की कलिका ली, और दोनों ये जो कलिका है ये इसी आकार के जो कट है उसके अंदर अपन डाल के इसको बांध देंगे। इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा बाद में। ये टी आकार कट था, इसमें अपन ने इस कलिका को डाला और इसको बांध दिया। ये साकू डाली होगी, ये मूल व्रंथ हो गया, ये कलिकायन वाला भाग हो गया, कलिकायन किया हुआ भाग, ठीक है। ये टी कलिकायन है, टी कलिकायन में मूल व्रंथ पर टी आकार कट लगाते हैं, एक उचित आकार उचित अच्छी किस्म की साकू डाली लेते हैं, उस साकू डाली को टी आकार कट में रोपित कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जिस जैसे ये जुड़ जाता है, 5-7-10 दिनों में ये जुड़ जाता है, तो अपन मूल व्रंथ के ऊपर वाले भाग को, इस भाग को अपन कट करके हटा देते हैं। ये होता है टी कलिकायन विधि। अब पढ़ते हैं पेबंद कलिकायन यानी रिंग मेथड क्या है, रिंग बडिंग क्या है। रिंग बडिंग में क्या होता है, देखो कलिकायन है तो इसमें दोनों भाग काम में लेंगे, साकू डाली भी काम में लेंगे और मूल व्रंथ भी काम में लेंगे। लेकिन होता क्या है, पेबंद कलिकायन में क्या करते हैं, कोई पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे के शीर्ष भाग को हटा देते हैं, इस पौधे के शीर्ष भाग को हटा देंगे। सबसे पहले शीर्ष भाग को काट देंगे, इस प्रकार काट के अलग कर दिया। अलग करने के बाद क्या करना है अपने को, ऊपर से ये भाग अलग हो गया, इस प्रकार ऊपर से आपको छाल हटानी है चारों साइड से, रिंग की तरह जैसे ये मार्कर है, ऐसे पूरी साइड में छाल हटानी है अपने को। यहां से छाल हटाएंगे तो इस प्रकार की संरचना अपने बन जाएगी। देखो इस प्रकार की संरचना बनेगी, अपन ने ऊपर की जो छाल थी चारों साइड की वो हटा दी है और इसको अंदर का जो सफेद भाग होता है लकड़ी का उसको अपन ने निकाल दिया है। अब इस पे क्या करना है, रिंग के आकार का ही ये कलिका लेनी है, ऐसी कलिका लेनी है जिसको रिंग के आकार में, इस प्रकार छाल, ये छाल थी, छाल के ऊपर कोई कलिका जुड़ी हुई है, ये छाल ही कोई दूसरे भाग से हटाएंगे और इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसको रोपित कर देंगे। इसको बोलते हैं साकूर डाली, इसको बोला जाता है मूल व्रंथ, और इसके ऊपर रोपित करने पर जैसी संरचना बनेगी वो बता देता हूं मैं। इस प्रकार की संरचना बनेगी इसके ऊपर, ये पहले ऐसी संरचना थी, इसके ऊपर अपन ने जो कलिका ली थी या साकू डाली ली थी उसको इस प्रकार अपन ने इसमें फिट कर दिया और ये अपने कलिका थी इसको बांध दिया। ये होता है पेबंद कलिकायन या रिंग कलिकायन, ठीक है। ये प्रवर्धन है, इसके डायग्राम बना के समझना है। यदि नहीं समझ में आता है तो इससे अच्छा समझ में अपने प्रवर्धन वाले चैप्टर में भी आएगा। ध्यान रखना है कि अपने बेर की खेती में जो प्रवर्धन किया जाता है वो दो विधियों, कलिकायन की दो विधियों द्वारा किया जाता है, टी कलिकायन और पेबंद कलिकायन। बात करते हैं पौधे लगाने की विधि, किस प्रकार पौधे लगाए जाते हैं, गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है, गड्ढे की खुदाई कब की जाती है, पौधे लगाए कब जाते हैं। अगला हेडिंग है, अगला पॉइंट है पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि। 3-4 चीजें पढ़ते हैं पौधे लगाने की विधि में। पौधे लगाने की विधि को इंग्लिश में बोला जाता है प्लांटिंग मेथड। पौधे लगाने की विधि होगा क्या दोस्तों, इसमें पौधे लगाने की विधि में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मई जून के महीने में गड्ढे तैयार करते हैं, मई जून में गड्ढे तैयार किए जाते हैं, गड्ढे तैयार करने मई जून के महीने में गड्ढे तैयार करने। उसके अलावा गड्ढों का जो आकार है, गड्ढे का आकार 1 x 1 x 1 मीटर रखा जाता है। गड्ढे से गड्ढे की दूरी मतलब जो पौधे से पौधे की दूरी है प्लांट वो 6 x 6 मीटर रखते हैं, 6 x 6 मीटर इसकी दूरी रखी जाती है। बाद में बात करें रोपाई का उचित समय क्या है, कब रोपाई करते हैं, गड्ढों में पौधे की रोपाई कब की जाती है, वो मैंने सबसे बेस्ट टाइम बताया हुआ है जुलाई अगस्त मतलब वर्षा ऋतु में, लगभग सभी फल वृक्षों की वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त में की जाती है। ध्यान रखना है जब रोपाई करते हैं पौधे की जब गड्ढों में ये गड्ढे तैयार कर लिए मई जून में, तो गड्ढे की रोपाई से पहले गड्ढे को खाद या उर्वरक से भरा जाता है। तो प्रति गड्ढा कितना खाद या उर्वरक डालते हैं, प्रति गड्ढा 20 से 25 किलो FIM, कितनी 20 से 25 किलो FIM 1 से
डेढ़ किलो, सॉरी हाँ, एक से डेढ़ किलो सुपर फास्फेट, एक से डेढ़ किलो सुपर फास्फेट तथा 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस, 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस, ये प्रति गड्ढा की दर से अपन रोपाई से पहले, जब रोपाई करते हैं रोपाई से पहले प्रति गड्ढा में ये खाद उर्वरक की मात्रा मिलाते हैं, उसके बाद में उसके पश्चात रोपाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी सिंचाई की। सिंचाई किस प्रकार करते हैं बेर में? सिंचाई देखो, बेर एक शुष्क जलवायु वाला पौधा है, अपन ने पढ़ा है, इसका अन्य नाम मैंने बताया था कि इसको शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह शुष्क जलवायु में आसानी से उग सकता है, मतलब पानी की कम मात्रा है, जहां पर पानी जहां पर कम है वहां पर इसको आसानी से उगा सकते हैं। ध्यान रखना है अच्छी उपज के लिए अपने को 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है, वैसे सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अन्य फलों की अपेक्षा बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, फिर भी अपने को अच्छा उत्पादन लेना है तो अपने को क्या करना है, 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करनी है। बाद में बात करते हैं सिंचाई के बाद में इसमें अंतःसस्यन, अंतःसस्यन में करेंगे क्या? देखो बेर का जब उद्यान लगाते हैं लगभग 3 वर्षों तक, प्रारंभिक 3 वर्षों तक, 3 वर्षों के बाद फलन होता है, फलन होता है, 3 वर्षों तक किसी प्रकार का फलों का उत्पादन नहीं होता है, 3 वर्षों बाद फलन होता है, तो 3 वर्षों तक क्या करें? 3 वर्षों तक अपने को करना ही है, 3 वर्षों तक उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुल की सब्जियां उगा सकते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां कौन सी होती है? जैसे मैं बता देता हूं, लौकी, तोरई, कद्दू, खीरा, करेला, इस प्रकार की सब्जियां अपन उगाकर 3 साल में इस प्रकार की सब्जियां उगाकर अपन उत्पादन ले सकते हैं, अन्य फसलें भी बीच में उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपन बात करें अंतःसस्यन हो गया, अंतःसस्यन के बारे में बाद में बात करें, खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें? खरपतवार नियंत्रण, मान लो खरपतवार जब उग जाते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? देखो खरपतवारों का नियंत्रण की 2 विधियां हैं, एक भौतिक विधि है, भौतिक विधि में अपन क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, खेत में निनाण बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, निराई गुड़ाई करते हैं, वीडिंग एंड होइंग कहा जाता है जिसको इंग्लिश में, वीडिंग एंड होइंग, निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई में एक यंत्र होता है उसकी सहायता से अपन खरपतवारों को नष्ट करते हैं। और जो एक रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि में खरपतवारनाशी, जो खरपतवारनाशी तत्व है उनको काम में लेके अपन करते हैं, तो खरपतवारनाशी कौन कौन से काम में ले सकते हैं? एक तो होता है डायूरोन व ग्लाइफोसेट, ड्यूरोन व ग्लाइफोसेट खरपतवारनाशी है ये दोनों, खरपतवारनाशी, इन दोनों को काम में लेके इसका खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। बात करते हैं इसमें संधाई व कांट छांट की, संधाई व कांट छांट, संधाई व कांट छांट, ट्रेनिंग व प्रूनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेर के बारे में जीएड में क्वेश्चन आता है कि बेर की कांट छांट किस महीने में की जाती है, बेर की कांट छांट किस महीने में की जाती है, तो इसकी कांट छांट का जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। संधाई का मतलब मैंने बताया था कि प्रारंभिक वर्षों में पौधों की शाखाओं, पौधे की काट छांट करके पौधे को एक निश्चित आकार दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं संधाई। काट छांट कब होती है? देखो संधाई प्रारंभिक वर्षों में होती है, प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक वर्षों में जब फलन नहीं होता, जब फलन
नहीं होता। उन वर्षों में जब काट छाट करके पौधे को एक निश्चित आकार दिया जाता है, पौधे को एक संतुलित आकार दिया जाता है, उसको अपन संदाई बोलते हैं। और जब फलन होने लग जाता है, तीन वर्षों बाद इसमें फलन होने लग जाता है, तो तीन वर्षों के बाद जब फलन होने लग जाता है, जब फलों का निर्माण होने लग जाता है, तो इसमें काट छांट करते हैं। काट छांट में सूखी शाखाएं, सूखी हुई शाखाएं, रोगग्रस्त शाखाएं, अधिक बड़ी हुई शाखाएं, अधिक बड़ी शाखाएं, इन सभी को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे पौधा अच्छा रहे। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगाई लिखना है कि बेर में काट छांट, इंपोर्टेंट लगाई लिखना है, बेर में काट छांट मतलब प्रूनिंग बोलते हैं, काट छांट, काट छांट को प्रूनिंग ऐसे भी लिखा जाता है, प्रूनिंग अप्रैल मई में की जाती है, अप्रैल मई में की जाती है। इंपोर्टेंट है, जेट के एग्जाम में कई बार इसका पूछा गया है कि बेर में काट छांट के लिए उपयुक्त महीना कौन सा है। तो ऑप्शन में यदि अप्रैल में आता है तो ठीक है, अप्रैल आता है तो अब आपको अप्रैल ऑप्शन करना है, मई आता है तो मई करना है। ऐसा भी आ सकता है कि 15 अप्रैल से 15 मई, तो भी यही सही रहा आंसर रहेगा। ध्यान रखना, अप्रैल या मई में इसके इसका नियंत्रण किया जाता है, इसके काट छांट की जाती है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कीटों के बारे में बात करें। कीट तो इसमें दो प्रकार के कीट लगते हैं, एक होता है फल मक्खी, सबसे इंपॉर्टेंट कीट कौन सा कीट है, फल मक्खी। ध्यान रखना है, फल मक्खी जो कीट है, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जो कीट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कीट है। ये कीट क्या करता है, इस कीट का जो लार्वा होता है, लट होती है, लार्वा मतलब लट, लार्वा फलों को नुकसान पहुंचाता है, फलों के अंदर घुसकर, अंदर घुसकर गुद्दे को खा जाता है, गुद्दे को खा जाता है। देखो कई बार देखा होगा फल, बेर का जब फल खाते हैं तो अंदर कई प्रकार के कीड़े निकलते हैं, वो कीड़ा ही फल मक्खी का लार्वा होता है जो गुद्दे को खाकर नष्ट करता है। ध्यान रखना है, इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन नामक कीटनाशी को काम में लेंगे, मेलाथियन कीटनाशी का, मेलाथियन कीटनाशी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसका नियंत्रण हो जाता है। अगला जो कीट है वो है चाफर बीटल, अगला कीट है चाफर बीटल। ये क्या करता है, पौधों की नई पत्तियों को खाता है, पौधों की नई कलिकाओं को खाता है, पौधों की नई कलिकाओं को खाकर नष्ट करता है। इसका नियंत्रण भी यही रहेगा, इसका मेलाथियन का छिड़काव करेंगे, मेलाथियन कीटनाशक का छिड़काव 0.1% घोल का छिड़काव किया जाता है। देखो 0.1% घोल बनाते कैसे, मैंने कल बताया था अमरूद की जब सॉरी पपीते की खेती पड़ रहे थे, 0.1% घोल का मतलब है, 0.1% सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 ml मात्रा, 1 ml मेलाथियन की मात्रा 1000 ml पानी में जब घोलते हैं, 1000 ml का मतलब या 1 लीटर पानी, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 ml जब मात्रा दवा की अपन 1000 ml या 1 लीटर पानी में घोलेंगे, तो उस घोल जो घोल बनेगा उस घोल को अपन 0.1% घोल कहेंगे। ठीक है, तो मेलाथियन का, इन दोनों कीटों के लिए मेलाथियन का छिड़काव करते हैं। बात करते हैं इसके रोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है इसमें, इसके रोग है, अगला पॉइंट है रोग। पहला रोग है चूर्णी फफूंद रोग, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक रोग इसका, चूर्णी फफूंद रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग भी कहा जाता है इसको, हिंदी में छाछा रोग भी बोलते हैं, छाछा रोग। देखो होता क्या है, ये रोग ओडियम स्पीसीज नाम ओडियम जीजीवी, ये रोग ऐसे लिखना है, यह रोग ओडियम जीजीवी, ओडियम जीजीवी नामक
कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। यह रोग ओडियम जीजीफी नामक कवक के द्वारा होता है। यह कवक करता क्या है, पौधे के जो सभी भाग है सभी भागों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, सफेद चूर्ण जम जाता है। पौधे के जो सभी वानस्पतिक भाग है, पत्तियां हैं, टहनियों का जो शुरू वाला भाग है जहां से फल लग रहा है वो भाग है, इन सभी भागों पर सफेद रंग का जब चूर्ण जम जाएगा वो उस चूर्ण को अपन या उस रोग को अपन चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, केराथेन नामक कवकनाशी काम में लेंगे। नियंत्रण कैसे करेंगे, केराथेन कवकनाशी काम में लेंगे। केराथेन कवकनाशी वही 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करते हैं, 1 ml प्रति लीटर पानी, या जिसको 0.1% घोल भी बोल सकते हैं, इसका छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है। अगला है, दूसरा रोग है अल्टरनेरिया फल सड़न रोग। देखो अल्टरनेरिया फल सड़न रोग का मतलब है कवक द्वारा ही ये रोग होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा ही। कवक की एक जाति है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया स्पीसीज नामक अल्टरनेरिया कवक की जाति से ये रोग होता है, ठीक है। अब अपन बात करें लास्ट पॉइंट, इसका उपज, इसका नियंत्रण भी, इस रोग का नियंत्रण भी वही रहेगा केराथेन। उपज की बात करें तो इसके जो फल हैं लगभग 40 से 200 किलो फल 40 से 200 किलो फल प्रति पौधा उत्पादित करता है, 40 से 200 किलो फल प्रति पौधा उत्पादित करता है। ध्यान रखना 40 से 200 किलो औसत है, इसको भी दो भागों में अपन बांट सकते हैं। देखो असिंचित जो क्षेत्र है जहां पर वर्षा आधारित ही अपन बेर की खेती करते हैं वहां पर इसका जो उत्पादन लेते हैं वो 40 से 50 किलो फल होता है प्रति पौधा, एक पौधे से 40 से 50 किलो फल मिलते हैं। लेकिन जहां पर सिंचाई की उपलब्धता है, सिंचाई जल उपलब्ध है, जहां पर सिंचाई करके अपन उसकी खेती करते हैं वहां पर 120 से 200 किलो तक फल अपन उत्पादित कर सकते हैं, 120 से 200 किलो फल प्रति पौधा उत्पादित होते हैं। क्लियर, बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसका, भंडारण। भंडारण की बात करें तो देखो इसका भंडारण किस प्रकार किया जाता है। नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल अपने कमरे के तापमान पर इसको, कमरे के तापमान पर 5-7 दिन तक रख सकते हैं इनको, कमरे के तापमान पर ऐसे इनको तोड़ के 5-7 दिन तक आप रख सकते हो सुरक्षित। लेकिन यदि अपने पास में उपलब्ध संसाधन तो इसको 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 85 से 90% आर्द्रता के साथ लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर, ये थे बेर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेर की खेती के। ध्यान रखना है जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं ये आपके 12th के लिए तो अच्छे है ही है, प्लस आपका जो ICAR एग्जाम होता है, JET एग्जाम होता है, BHU एग्जाम होता है, इन सब में फलों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। बुक के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड भी किए हैं इसमें। सो थैंक यू।